दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 3 धातु एवं अधातु के अंतर्गत क्रियाकलाप 3.12 करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप में धातुओं का लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम इस क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा, कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए। आगे क्या है, कॉपर के तार को परख नली में रखे आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील दूसरे परख नली में रखे कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। आगे क्या है, 20 मिनट के बाद अपने प्रेक्षण को रिकॉर्ड कीजिए। आगे है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई। आगे है, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हमने प्रश्न को पढ़ा, अब हम क्रियाकलाप को एक एक करके समझते हैं। तो क्रियाकलाप हमारा कह रहा, कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए। तो हम क्या करेंगे, कॉपर का एक इस तरह से तार लेंगे। ये हमारा क्या होगा, कॉपर वायर तार। अगला है कील लेना, आयरन की एक कील लेना है, लोहे की, आयरन का मतलब है लोहे की एक हमको कील लेनी है। ये हमारा लोहे का कील लेना है और ये लोहे का संकेत है Fe और कॉपर का संकेत Cu होता है। आगे क्या है, कॉपर के तार को परख नली में रखे आयरन, तो हम दो परख नली लेंगे क्रियाकलाप के माध्यम से। ये हमने दो परख नली ली है, एक परख नली ये है और दूसरी परख नली हमारी बी है। एक परख नली को हम मान लो नाम देते हैं ए और दूसरी परख नली का नाम देते हैं बी। तो हमारे पास ये दो परख नली है क्रियाकलाप के माध्यम से। तो परख नली ए में क्या रखा गया है, कॉपर के तार को परख नली में आयरन सल्फेट के विलयन, एक में क्या रखना, आयरन सल्फेट का विलयन रखना है। एक परख नली में हमको क्या रखना है, आयरन सल्फेट का विलयन। कॉपर का इसमें रखना है कील रखना है, एक परख नली में आयरन सल्फेट का विलयन रखना है Fe SO4, आयरन सल्फेट का विलयन रखना है। और दूसरे में क्या रखना है, दूसरे परख नली में आयरन की कील रखना है और इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन रखना है। कॉपर सल्फेट का विलयन इस परख नली में रखना है, कॉपर सल्फेट का विलयन रखना है और इसमें हमने क्या रखा है, आयरन सल्फेट का विलयन। ये परख नली ये है और आयरन सल्फेट का विलयन का सूत्र होगा 3, Fe की संयुक्तता 3 होती है और सल्फेट की 2, तो इस तरह से लिखा जाएगा आयरन सल्फेट का। अब क्या कह रहा है, कॉपर के तार को परख नली में रखे आयरन सल्फेट के, जो आयरन सल्फेट है इसमें कॉपर की तार रखना है, कॉपर की तार को इसमें रखना है, किसकी तार रखना है, कॉपर सल्फेट का तार, कॉपर का तार रखना है Cu। ये हमारा क्या है, Cu कॉपर है, ये कॉपर है। और दूसरा क्या है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में हमको आयरन की कील रखनी है, आयरन की हमको इसमें कील डालनी है। ये कील किसकी है, आयरन की है, Fe है। तो इस तरह से हमारा एक क्रियाकलाप कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, इस तरह यहाँ तक हो गया, 20 मिनट के बाद आपने परीक्षण को रिकॉर्ड कीजिए। अब हम क्या करेंगे, 20 मिनट तक इंतजार करेंगे, कितने मिनट तक है, 20 मिनट तक इंतजार करेंगे, देखेंगे क्या होता है। आगे क्या कह रहा है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई। तो हम देखेंगे कुछ देर बाद, देखेंगे जो हमारे कॉपर का तार है, ये कॉपर का तार है, ये किसमें है, कॉपर का तार लोहे के विलयन में रखा गया है और यह है कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये जो लोहे का तार है ये कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा गया है। तो इसमें देखेंगे परख नली ए में कोई क्रिया नहीं होती, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। और ये कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है, नीले रंग का होता है। इसका विलयन हमको समझना है किस तरह रंग का होता है, नीला रंग का होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग का होता है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद 20 मिनट बाद ये क्या होगी, लोहे की कील के ऊपर यहाँ सतह पे ये क्या होगा, कॉपर का विलयन जमा हो जाता है, कॉपर जो है इकट्ठा हो जाता है।
तो क्या कह रहा है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई, क्योंकि लोहे का कील का रंग क्या हो गया, ये लोहे का कील का रंग क्या हो गया, इस हमारा लोहे का कील चमकदार क्या होता, सफेद होता है, क्या होता है, सफेद होता है, लेकिन 20 मिनट बाद ये क्या हो जाता है, भूरा रंग का हो जाता है। कितने मिनट बाद, 20 मिनट बाद ये भूरा रंग का ये हो जाता है, यानी इसके ऊपर कॉपर जमा हो जाता है, लोहे के ऊपर क्या हो जाता है, कॉपर जमा हो जाता है। तो क्या कह रहा है, अभिक्रिया हुई, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अब जो अभिक्रिया हुई इस पर अभिक्रिया नहीं हुई, और लेकिन इस पर अभिक्रिया हुई, इसके लिए संतुलित समीकरण हमको लिखना है। तो इसके लिए संतुलित समीकरण हमारा होगा इस तरह से, हम लिखेंगे ये हमारा क्या है, एफ ई, ये क्या है, एफ ई यानी लोहा आयरन, और ये हमारा विलयन क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है या क्रियाकलाप पूछ रहा है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह क्या है, अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। किस तरह की अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये विस्थापित हो रही, कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये अध्याय एक में पढ़ाया गया है, केमिस्ट्री कक्षा 10 के अध्याय एक में रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया में बताया गया है यह कैसी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है। अब क्या होता है, ये लोहा क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो ये बनाता है आयरन सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट को यहाँ बनता है आयरन सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट बन जाता है, यहाँ विस्थापित करके Fe3 यहाँ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कॉपर हमारा मुक्त हो जाता है, यानी कॉपर प्राप्त होता है। कॉपर कहाँ प्राप्त होता है, लोहे की कील के ऊपर कॉपर जमा हो जाता है, ये लोहे की कील के ऊपर कॉपर प्राप्त होता है। अब कह रहा संतुलित समीकरण लिखना है, तो संतुलित समीकरण लिखने के लिए क्या करेंगे, ये सल्फेट का 3 आयन है यहाँ, और ये जो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सल्फेट 3 हो गया, लोहा कितना है, आयरन 2 है, तो 2 कर देंगे, और यहाँ कॉपर क्या है, 1 है, यहाँ कॉपर 3 है, तो यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये समीकरण बनेगा। और क्या एक समीकरण क्या होगा, इसका हम भौतिक अवस्था भी लिख सकते हैं, कुछ जलीय विलयन प्राप्त होगा, फेरिक सल्फेट का ये लोहे के जलीय विलयन होगा, कॉपर क्या होगा, सॉलिड अवस्था में ये जमा होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, जलीय विलयन होगा, एक्वस विलयन होता है। कॉपर सल्फेट क्या है, एक्वस विलयन, ये हमारा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, और ये हमारा फेरिक आयरन सल्फेट, इसको हम क्या कहेंगे, फेरिक सल्फेट या आयरन सल्फेट, ये हमारा आयरन सल्फेट होगा, ये हमारा कॉपर धातु होगी, ये क्या होगी, धातु कॉपर मुक्त होगा, कहाँ, आयरन की कील पर कॉपर, इस तरह से हमारा हो गया। इस समीकरण को हम सूत्र के माध्यम से भी लिख सकते हैं, यहाँ कॉपर सल्फेट विलयन ना लेकर के, यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन हमने लिया था, लेकिन इस कॉपर सल्फेट के स्थान पर हम कोई दूसरा भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट भी ले सकते हैं, जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं, यानी इसको हम सूत्र के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो सूत्र के माध्यम से कैसे लिखेंगे, तो सूत्र के माध्यम से लिखेंगे धातु ए, इसको हम लिख देंगे धातु ए, इसको लिखेंगे धातु ए, ये हमारा लिखा उठेगा धातु ए, यदि कोई ए धातु है, और दूसरा यहाँ लिखेंगे कॉपर सल्फेट के स्थान पे धातु बी का विलयन, धातु बी का विलयन ये लिखेंगे धातु बी का विलयन, और फिर क्रिया करेगा, ये सूत्र हो गया, सूत्र से हम कोई भी और भी समीकरण बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो गया धातु बी का विलयन, क्रिया क्या करेगा, धातु ए का
लवण बना लेगा, क्या बनाएगा, धातु पी का लवण विलयन, यहाँ लिखना है लवण का विलयन, लवण का विलयन, धातु पी के लवण का विलयन, ये हमारा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब बनेगा धातु ए के लवण का विलयन, यहाँ हो जाएगा ए के लवण का विलयन, ए के लवण का विलयन, विलयन बनेगा, अब प्लस क्या होगा, ये धातु बी मुक्त हो जाएगा, ये धातु क्या होगा बी, ये धातु हमारी धातु बी क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये बन गया समीकरण, इस समीकरण से ये सूत्र बन गया, इस सूत्र से हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा समीकरण लिख सकते हैं। तो इस तरह धातु ये धातु बी के लवण के विलयन से बी को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ये बी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, इसलिए इस समीकरण को विस्थापन समीकरण कहते हैं। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम 3.2.5 के अंतर्गत सक्रियता श्रेणी के बारे में जानेंगे। सक्रियता श्रेणी हमारी क्या है, सक्रियता श्रेणी में सबसे पहले पोटेशियम है, दूसरे नंबर पर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लोहा आगे है, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, कापर, पारा, HG, मरकरी, और उसके बाद Ag चांदी, और Au सोना। इस तरह ये सक्रियता श्रेणी है। ये सक्रियता श्रेणी क्यों बनाई गई है, सक्रियता श्रेणी है क्या, तो सक्रियता श्रेणी को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। पिछले क्रियाकलाप में हमने जाना कि एक परख नली में हमने क्या किया था, एक परख नली था, दो परख नली था, एक परख नली ए और दूसरी परख नली बी, दो परख नली हमारे पास था, एक में क्या था, कॉपर सल्फेट का विलयन था, कॉपर सल्फेट का विलयन, और दूसरे में था आयरन सल्फेट का विलयन, Fe SO4, एक में आयरन सल्फेट का विलयन था और इसमें क्या डाली गई थी, कॉपर सल्फेट के ऊपर लोहे की कील डाली गई थी, इसमें क्या डुबोया गया था, लोहे की कील, इसमें लोहे की कील डाली गई थी और इसमें क्या डाला गया था, तार डाला गया था, किसका तार डाला गया था, कॉपर का, ये हमारा क्या था, लोहे की आयरन की कील थी और एक कॉपर सल्फ, ये क्या था, कॉपर का वायर था, तार था। इस तरह क्रियाकलाप हमने पिछला देखा। तो इस क्रियाकलाप में हुआ क्या था, ये लोहे की कील पर, लोहे की कील पर क्या हुआ था, ये लोहे की कील पर आयरन जमा हो गया था, लोहे की कील थी इसके ऊपर, सॉरी इसके ऊपर कॉपर जमा हो गया, लोहे की कील के ऊपर क्या जमा हो गया था, कॉपर जमा हो गया था, ये कैसा हो गया था, भूरा हो गया था और मोटा हो गया था, यानी इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई थी, आयरन के कील के ऊपर कॉपर सल्फेट जमा हो गया था, लेकिन कॉपर के तार के ऊपर ये लोहा नहीं जमा हुआ था, यानी इसका रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ था, यानी रासायनिक क्रिया इसमें नहीं हुई थी, इसमें रासायनिक क्रिया हुई थी। तो ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था कि जो लोहा जो है ऊपर है, ये जो लोहा हमारा ये है, और लोहे के नीचे जो हमारा ये कौन सा कॉपर, ये कॉपर नीचे है, यानी जो ऊपर होता है वो ज़्यादा सक्रिय धातुएं होती हैं, यानी जो ऊपर की धातुएं हैं हाइड्रोजन से ऊपर, यानी ऊपर की धातुओं की सक्रियता ज़्यादा है और नीचे की धातुओं की सक्रियता कम है। तो इस तरह से प्रयोग करके देखा गया, इसी प्रयोग को यानी इसी क्रियाकलाप को बार बार करके देखा गया, तब जाकर के सक्रियता श्रेणी बनी। यानी सक्रियता श्रेणी बनाने का मतलब है जो कम क्रियाशील धातु है वे नीचे हैं, अधिक क्रियाशील धातु क्या हो गई, ऊपर थी, अधिक क्रियाशील धातु क्या है, अधिक क्रियाशील धातु ऊपर है और कम क्रियाशील धातु क्या है, नीचे है। ये कम क्रियाशील धातु नीचे हैं और अधिक क्रियाशील धातुएं क्या है, ऊपर हैं। तो इस तरह से ये प्रयोग करके देखा गया कि जो ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं उसे ऊपर रखा गया और जो कम क्रियाशील धातु हैं उसे नीचे रखा गया। तो इसमें हाइड्रोजन क्या है, सब बीच में रखा गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, यहाँ हाइड्रोजन को एक आधार माना गया है कि हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन के ऊपर की जो धातुएं हैं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, यानी ये सक्रियता श्रेणी प्रयोग के आधार पर बनाया गया। कैसे बनाया गया है, प्रयोग
प्रयोग के आधार पर बनाया गया। प्रयोग कैसे है एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। ये लोहे की कील के ऊपर आयरन सॉरी लोहे की कील के ऊपर कॉपर जमा हो जाता है। ये क्या जमा होता है? भूरे रंग का कॉपर जमा हो जाता है। ये कॉपर जमा हो जाता है, लेकिन कॉपर के कील के ऊपर यहाँ लोहा नहीं जमा होता है, या फिर नहीं जमा होता, या क्रिया नहीं होती है, या क्रिया नहीं होती है। तो इस तरह से एक क्रियाकलाप के द्वारा है देखा गया है कि इस तरह की घटना नहीं होती है। तो इस तरह से हम और भी धातुओं को धातुओं के साथ इस प्रयोग को हम पोटेशियम के साथ भी कर सकते हैं, सोडियम के साथ भी कर सकते हैं, कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, सभी धातुओं के साथ इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इस प्रयोग को सभी धातुओं के साथ और उनके लवणों के साथ करके देखा गया, तब जा कर के ये हमारी सक्रियता श्रेणी बनाई गई। इसलिए सक्रियता श्रेणी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, कक्षा 10 के बच्चों के लिए, कक्षा 11 के बच्चों के लिए, कक्षा 12, कक्षा बीएससी एमएससी जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी सक्रियता श्रेणी का बड़ा महत्व है। यदि आप किसी फैक्ट्री में काम करेंगे, कहीं काम करेंगे, या धातुओं का यदि आप काम करेंगे, तो आप इस सक्रियता श्रेणी को याद रखेंगे तो आपके व्यवहार में रहेगा, तो उससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो सक्रियता श्रेणी को आपने समझा, और सबसे इसका अब हम नाम लिख रहे हैं, इन धातुओं का नाम है, ये हमारा है पोटेशियम, पोटेशियम, ये पोटेशियम धातु है, ये कम सक्रिय है, ये हमारा है सोडियम, सोडियम, ये सोडियम का संकेत Na है, ये हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम, कैल्शियम, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये हमारा है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, ये हमारा है जिंक, ये हमारा जिंक है, और ये हमारा आयरन है, लोहा है, लोहा है, लोहा, इसको आयरन भी कह सकते हैं, आयरन, आयरन, लोहा, ये हमारा लेड है, लेड है, और ये हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, 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 ये हमारा कॉपर है, कॉपर, तांबा कहते हैं कॉपर, इसको देहात भाषा में तांबा भी कहते हैं, वाह तांबा। तो अगला है ये मरकरी, पारा, पारा है, इसे मरकरी कहते हैं, मरकरी है। अगला हमारा ये चांदी है, चांदी, अगला है सोना, ये हमारा AU सोना। तो इस तरह से हमने समझा कि सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु क्या है, अधिक सक्रिय, सक्रिय, अधिक सक्रिय है, सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से हम इसकी श्रेणी बना सकते हैं। और सबसे कम क्रियाशील धातु, कम सक्रिय धातु हमारा क्या है, कम सक्रियता, ये कम सक्रिय धातु है, सबसे ज़्यादा सक्रियता, इस तरह से हमारी ये सक्रियता श्रेणी है। यदि हमको ये सक्रियता श्रेणी हम समझते हैं, यदि सक्रियता श्रेणी को 11 और 12 में अच्छी तरह से समझाया गया है, कक्षा 11 और 12 में इस सक्रियता श्रेणी को हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ जितना इस किताब में दिया गया उतना हमने आपको दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सोडियम को केरोसिन में डूबो के क्यों रखा जाता है। दूसरा है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, एक है भाप के साथ आयरन, दूसरा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो ये 2 हमारे क्वेश्चन है, अब हम एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, सोडियम को केरोसिन में डूबो के क्यों रखा जाता है। ये सोडियम क्या है, हमारा धातु है, सोडियम क्या है, हमको पता है, यदि सोडियम का कोई टुकड़ा लेते हैं, ये सोडियम का कोई टुकड़ा है धातु का, ये क्या है, टुकड़ा है, टुकड़ा है,
तो इसको केरोसिन में डुबो के क्यों रखा जाता है, क्यों किस में डुबो के क्यों रखा जाता है, केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो के क्यों रखा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सोडियम क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु। पोटेशियम और सोडियम क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रियाशील, ये क्या होती है, क्रियाशील धातु है, क्रियाशील धातु है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। पिछले वीडियो में हमने देखा है, पीछे हमने देखा है कि सोडियम पोटेशियम क्या है, पोटेशियम की सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी बनाई गई है, उसमें पोटेशियम सबसे ऊपर है, उसके बाद सोडियम है। तो इस तरह से हम सक्रियता श्रेणी के आधार पर कह सकते हैं कि सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। यदि इसे केरोसिन में नहीं रखते हैं, हवा में रखते हैं, तो क्या बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है और ये नष्ट हो जाता है। सोडियम हमारा क्या हो जाता है, ये सोडियम धातु हमारा नष्ट हो जाता है, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। और यदि जल में रखा, जल के संपर्क में आ जाता है, नमी के संपर्क में आ जाता है, तो सोडियम ऑक्साइड ये बहुत तेज़ी से बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, और जिसके कारण क्या हो जाता है, और भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती, क्या निकलती है, भारी मात्रा में ऊष्मा यानी हीट निकलता है, क्या निकलता है, हीट निकलता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये आग लग सकती है और पूरी तरह से जो हमारा सोडियम धातु है ये बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं सोडियम को केरोसिन में डुबो के क्यों रखा जाता है, इस तरह से अब क्रिया को भी हम लिख सकते हैं, सोडियम को क्या, सोडियम जो हवा के साथ या जल के साथ जो क्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो ये क्या बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है और क्या निकलता है, ऊष्मा निकलती है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सर ये जल के साथ अब क्रिया करेंगे तो ऐसा होता है, जल के साथ सोडियम अब क्रिया करता है तो हवा के साथ अब क्रिया करके भी सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण सोडियम धातु नष्ट हो जाती। तो इस तरह सोडियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे, संतुलित समीकरण हमारा है, यहाँ केवल सोडियम को दो कर देंगे, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक, ये हमारा समीकरण संतुलित है। तो इसका उत्तर एक हो गया। सोडियम के टुकड़े को केरोसिन में डुबो के क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, जाता है, इसका उत्तर है ये सोडियम क्या है, हमारा धातु है, सोडियम धातु, यानी सोडियम धातु, ये क्या होता है, हवा में रखने में और जल के संपर्क में आने में, हवा में और या जल लिखेंगे, जल के संपर्क, जल के संपर्क में आने पर क्या होगा, ये हमारा सोडियम धातु, ये धातु क्या हो जाती है, धातु नष्ट हो जाता है, यानी खराब हो जाता, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने से बचाने के लिए, इसलिए हम कह सकते हैं नष्ट होने से बचाने के लिए केरोसिन में या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को, नष्ट होने से बचाने के लिए, नष्ट होने से बचाने के लिए, लिए तथा सुरक्षा के लिए, तथा सुरक्षा के लिए, आग न लग जाए, सुरक्षा के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला है, दूसरा क्वेश्चन अब हम करेंगे, इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो पहला है भाप के साथ आयरन का समीकरण। तो भाप के साथ आयरन का समीकरण क्या है, दूसरा जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का समीकरण। तो जल के साथ भाप का आयरन के साथ समीकरण, तो ये हमारा भाप के साथ आयरन का समीकरण क्या होता है, ये आयरन है,
ये भाप के साथ क्रिया करता, भाप माने जल होता है, H2O, ये हमारा क्या है, भाप है यानी जल है, इसके साथ क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, FeO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हाइड्रोजन गैस क्या है, ज्वलनशील होती है। तो ये समीकरण हमारा हो गया, ये हमारा आयरन हो गया, आयरन आयरन ये हमारा भाप हो गया, ये हमारा आयरन ऑक्साइड, आयरन आयरन ऑक्साइड ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ये हमारा हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह से समीकरण बनता है, भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया होती इस तरह से होती है, जो कि आप पीछे वीडियो में देख चुके हैं। अगला है, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का समीकरण लिखिए। जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का समीकरण लिखिए। तो ये पोटेशियम क्या है, सोडियम की तरह से, जिस तरह से सोडियम का व्यवहार होता है, ठीक इसी प्रकार ये पोटेशियम क्या होता है, जिस तरह सोडियम जलता है पानी में डालने पर, ठीक उसी तरह पोटेशियम क्या होता है, ये पानी में जलता है। तो इसके स्थान पर, सोडियम के स्थान पर हम यहाँ समीकरण लिख सकते हैं, पोटेशियम के लिए के लिख सकते हैं के, और ये बन जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, और ये पोटेशियम ऑक्साइड बन गया, और यह हाइड्रोजन गैस बनेगा, ऊष्मा निकलेगा। तो इसका समीकरण इस तरह से हमारा हो गया। और जल के साथ, ये भी जल के साथ अभिक्रिया है, ये जल है, तो इस तरह से हमारा हो गया जल के साथ अभिक्रिया, ये पोटेशियम का हो गया। अब हम करेंगे जल के साथ कैल्शियम का अभिक्रिया, अब इसी अभिक्रिया को, कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, H2O। ये कैल्शियम क्या होता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये क्या करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता, कैसे, गर्म जल, ये हमारा क्या है, गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ कैल्शियम अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ नहीं करता। तो क्या बनता है, ये बनता है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, OH बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये समीकरण को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, तो यहाँ क्या हो गया, OH, यहाँ हम लिखेंगे OH, ये हो गया, ये डबल हो गया, और यहाँ यहाँ दो है, यहाँ दो से ऐसे गुणा कर देंगे तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो ये कैल्शियम हमारा है, क्या है, कैल्शियम सीएम, ये कैल्शियम हमारा धातु है, जल के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेकिन ये क्या होता है, ये पिछले वीडियो में हमने बताया है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ज्वलनशील होती है, ये कॉपर सॉरी कैल्शियम के साथ चिपक जाती है, कैल्शियम के साथ चिपक जाती है और धातु के और बर्तन की सतह पर यानी वाटर की सतह पर, पानी की सतह पर तैरने लगता है। ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ज्वलनशील होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं बनती है, और कम मात्रा में बनने के कारण हाइड्रोजन गैस एक कैल्शियम धातु से चिपक जाती है, और कैल्शियम धातु से चिपकने के कारण पानी की सतह पे, इस तरह से यदि हमारा वाटर है, इस तरह से कोई बर्तन है, यदि पानी यहाँ तक है, ऐसे पानी की सतह है, तो पानी की सतह पर ऐसे तैरने लगता है, कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ मिल करके पानी की सतह पर ये तैरने लगता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर दो हो गया। दोस्तों, प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, ABC एवं D चार धातुओं के नमूने को लेकर एक एक करके निम्न बिलियन में डाला गया, इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। ये सारणी बनाई गई है, पहले कॉलम में दिया है धातु ABCD, और दूसरे कॉलम में दिया गया है आयरन सल्फेट, आयरन का दो संयुक्ता वाला है, और तीसरे कॉलम में दिया गया कॉपर सल्फेट, और ये चौथे कॉलम में दिया गया है जिंक सल्फेट, और पांचवे कॉलम में दिया गया सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें दिया गया है ए धातु किससे कॉपर सल्फेट को विस्थापित करती है, बी धातु
आयरन सल्फेट से विस्थापित होता है। बी धातु क्या करता है? आयरन सल्फेट को विस्थापित करता है और बाकी कहीं नहीं विस्थापन होता है, किसी में भी विस्थापन नहीं होता। अगला है सी धातु, केवल सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को सिल्वर को विस्थापित कर देता है, सिल्वर नाइट्रेट। अगला है डी, डी में किसी में भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो इस साड़ी के माध्यम से हमारे पास ये तीन क्वेश्चन है, 1, 2, 3, इन तीनों क्वेश्चन को हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, ये पहला है। दूसरा क्वेश्चन है, धातु बी कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन है, ए बी सी डी के अभिक्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो तीन क्वेश्चन को हल करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ए बी सी डी चार धातुओं के नमूने को लेकर, ये हमारे पास चार धातुओं के हम नमूने लेंगे, कित क्या लेंगे, चार धातुओं के नमूने लेंगे। नमूने का मतलब टुकड़ा लेंगे, एक हमारा ए धातु का कोई टुकड़ा लेंगे, मान लो ए धातु हमारा है ये, इस तरह से कोई टुकड़ा लेंगे, इस तरह से कोई बी धातु है, इसका कोई नमूना बी धातु है, अगला हमारा कोई सी धातु का टुकड़ा है या नमूना है या वस्तु है, ये सी धातु है, अगला हमारा कोई डी धातु है। तो इस तरह चार धातुओं के नमूने को हम लेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी चार धातुएं हो गई। अब क्या कह रहा है, इन नमूने को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला जा गया, इससे प्राप्त परिणाम निम्न प्रकार से सारणीबद्ध है। तो ये विलयन कौन सा है हमारा, चार लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। तो ये हमारे चार विलयन है, पहला विलयन ये, दूसरा विलयन ये, और तीसरा ये, और चौथा ये, चार विलयन में डाला गया है। तो ये चार विलयन क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा हो गया साफ, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे जगह हो गई। अब हम चार विलयन लेंगे, चार विलयन क्या होगा, एक एक परख नली में लेंगे, दूसरा परख नली लेंगे, तीसरा परख नली लेंगे, चौथा परख नली लेंगे, और ये चारों परख नली में अलग अलग विलयन रखा जाएगा प्रश्न के हिसाब से। इस परख नली में ये चार परख नली है, तीसरी चौथी, ये चार परख नली है और चार धातु के नमूने हैं, चार क्या है, धातु के नमूने हैं और चार ये परख नली है। तो क्या करेंगे, पहले परख नली में क्या है, आयरन सल्फेट, इसमें क्या है Fe SO4 आयरन सल्फेट का नमूना है, दूसरे परख नली में कॉपर सल्फेट का नमूना Cu SO4 का नमूना, और तीसरे में क्या है, जिंक सल्फेट का नमूना Zn SO4 जिंक सल्फेट का नमूना है, और चौथे में है सिल्वर नाइट्रेट Ag NO3 सिल्वर नाइट्रेट का नमूना है। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक एक नमूने को, ये जो हमने प्रश्न को भी मिटाया है, क्लीन किया है, वह कह रहा नमूने एक को क्या करेंगे, नमूना एक है धातु है, ये कैसा नमूना है, धातुओं का नमूना है, धातु है, ए धातु को सब में डालेंगे, परखनली ए बी ए परखनली जो है कॉपर सल्फेट और ये आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, ये चारों परख नली में हम ए धातु के टुकड़े को डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसी बी धातु को दोबारा परख नली को साफ करेंगे, दोबारा फिर परख नली में वही विलयन लेंगे, उसके बाद बी को सभी विलयन में डालेंगे, फिर सी को सभी विलयन में डालेंगे और डी को भी सभी विलयन में डालेंगे। जो डालेंगे उसका ये क्रियाकलाप, यानी ये साड़ी दिया गया, इस साड़ी के हिसाब से रिएक्शन होता है, इस साड़ी के हिसाब से जो हमारी साड़ी दिया गया है। तो इसको साड़ी को भी समझेंगे, ये क्या होता है, ये हमारा पहला है, ये किसके साथ विस्थापित होता है, कॉपर सल्फेट, ये को ये किसी में रिएक्शन नहीं करता, ये धातु इसमें भी डाला जाता है, इसमें भी डाला जाता है, इसमें भी डाला जाता है और इसमें भी डाला जाता है, तो किसी में रिएक्शन नहीं करता है, कॉपर सल्फेट को विस्थापित करता है, यानी कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है, यानी कॉपर को हटाता है, यानी इसमें अभिक्रिया करता है, ये इसमें अभिक्रिया करता है, बाकी में इसमें कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अगला है बी,
बी क्या करते हैं, बी नमूने को इसमें डाला जाता है, इसमें डाला जाता है, इसमें डाला जाता है और इसमें डाला जाता है, सॉरी ये हमने गलत बना दिया, ये बी नमूने को इसमें डाला जाता है, इसमें इसमें चारों में डाला जाता है, तो क्या होता है ये पहले यानी आयरन सल्फेट को विस्थापित, आयरन को विस्थापित करता है, यानी पहले में होता है आयरन सल्फेट को विस्थापित करता है, बाकी में कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसी तरह सी नमूना है, ये ए में डाला जाता है, बी में डाला जाता है, सी में और सी और इसमें डाला जाता है, तो क्या करता है ये केवल किस में अभिक्रिया करता है, ये हमारा कौन सा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट में केवल विस्थापित होता है, बाकी में कोई रिएक्शन नहीं होता, बाकी में कोई रिएक्शन नहीं होता है। और चौथा नमूना डी है, ये चौथा नमूना डी सब में डाला जाता है, इसमें डाला जाता है, इसमें डाला जाता है, इसमें डाला जाता है, इसमें डाला जाता है और किसी में कोई रिएक्शन नहीं होता, ना इसमें यहाँ भी रिएक्शन नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यानी किसी में भी रिएक्शन नहीं होता। तो ये हमारा प्रश्न हो गया, अब हमने प्रश्न को समझा है, अब प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी हमको जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है, सक्रियता, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी को हमको जानेंगे, हम सक्रियता श्रेणी को जानेंगे तभी इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और सक्रियता श्रेणी क्या है, पिछले वीडियो में और पीछे हमने बताया है, इसी वीडियो के पीछे हमने बताया सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी क्या है, प्रयोग द्वारा धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम को सक्रियता श्रेणी कहते हैं, यानी जो ऊपर की धातुएं होती हैं अधिक क्रियाशील होती है, जो नीचे की धातुएं होती हैं कम क्रियाशील होती है। हाइड्रोजन के एक ऊपर की धातु होती है, हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन के नीचे, इस तरह से दो सक्रियता श्रेणी का क्रम क्या, हाइड्रोजन को बीच में रखा गया है, हाइड्रोजन के नीचे की धातु हमारी क्या है, हाइड्रोजन के नीचे की धातु हमारा है कॉपर, ये कॉपर है, उसके बाद है एजी एचजी पारा है, उसके बाद एजी है, उसके बाद सोना है एयू है, ये हमारा हाइड्रोजन के नीचे की धातु, ये क्या है अधिक कम सक्रिय धातु, ये क्या है कम सक्रिय है, कम सक्रिय है, जो कि हमने पीछे देख चुके हैं, इस वीडियो को पीछे देख चुके हैं। और इसके ऊपर हमारा ये है लेड है, यहाँ क्या है ये लेड है, इसके बाद लेड के बाद हमारा आता है जिंक आता है, जिंक के बाद यहाँ फेरस आता है, लोहा आयरन आता है, और यहाँ हमारा सक्रियता श्रेणी सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु पोटेशियम है, सोडियम है, उसके बाद सोडियम पोटेशियम, उसके बाद हमारा एल्युमिनियम है, सॉरी उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद ये हमारा मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है। तो सक्रियता श्रेणी ये कम सक्रियशील, इधर जाने पर सक्रियता कम होती जाती है और इधर हो ऊपर यहाँ क्या होती है अधिक होती है, इधर सक्रियता श्रेणी क्या होती है अधिक अधिक होती है। तो इस सक्रियता श्रेणी के आधार पर इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमको इस तरह से समझना है, ये हमारा कौन सा विलयन है, आयरन सल्फेट, ये आयरन सल्फेट का विलयन है, पहला विलयन क्या है, पहला परखनली हमारी है आयरन सल्फेट की परखनली है, आयरन सल्फेट SO4 आयरन है, आयरन सल्फेट की ये हमारा परखनली है। दूसरी परखनली है कॉपर सल्फेट, कॉपर कहाँ है यहाँ है, इसका सल्फेट SO4 कॉपर सल्फेट की ये परखनली है, इस परखनली में क्या भरा हुआ है कॉपर सल्फेट, इसमें क्या भरा था आयरन सल्फेट, इस परखनली में हमारा क्या है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट SO4 आयरन सल्फेट, इस परखनली में कॉपर सल्फेट, आगे क्या है जिंक सल्फेट, अगली परखनली में क्या भरा है जिंक सल्फेट, ये हमारा जिंक सल्फेट यहाँ है, ये जिंक सल्फेट SO4 इस परखनली में क्या भरा हुआ है जिंक सल्फेट भरा हुआ है। तो इस तरह से हम प्रश्न को समझते जाएंगे, आखिर में सिल्वर सल्फेट, यह है सिल्वर सल्फेट, इस परखनली में क्या है सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट है NO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये परखनली में है सिल्वर नाइट्रेट। तो ये हमारी परखनली का चित्र बनाएंगे, ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ये हमारी परखनली हो गई, इसमें सिल्वर नाइट्रेट भरा है।
आप क्या कह रहा है? तो सबसे ज्यादा सक्रिय धातु क्या है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है, इधर कम सक्रिय धातु है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। तो धातु ए लेंगे, ये धातु हमारी इसमें से धातु है और इसमें धातु पता नहीं है। धातु हमारी क्या है? ये धातु है, ये धातु ये है, ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये धातु किससे क्रिया करती है, ये कॉपर को विस्थापित करती है। ये किसको विस्थापित करती है? कॉपर, यहाँ ये, यानी कॉपर को हटा देती है। यानी ये कॉपर को ऐसी धातु होगी जो हाइड्रोजन से इधर होगी। अधिक सक्रिय धातु क्या होगी? कॉपर को ही विस्थापित कर सकता है। अधिक सक्रिय धातु कॉपर को विस्थापित कर सकता है। इसमें लोहा भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, लेड भी हो सकता है। यानी ऊपर की धातु और किसके बीच में होगा, क्योंकि एक बिलियन यहाँ भी है, फेरस लोहे का सल्फेट है, आयरन सल्फेट है। यानी जो सक्रियता श्रेणी का यह हमारा दूसरा विस्थापित करने वाली धातु या जिंक होगी या लोहा होगा, आयरन होगा या लेड होगा, या तीन धातुओं के बीच में होगा। तो ये पहले क्रियाकलाप से हमको पता चल रहा है ये धातु हमारा कहाँ होगा। ये धातु की स्थिति कॉपर और आयरन के बीच में होगी। ये हमारा ये धातु इसके बीच में होगा। कॉपर भी एक, लेड भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है और आयरन भी हो सकता है। चार धातुओं में से कोई ये धातु हो सकता है, क्योंकि यदि इधर की कोई धातु होती तो यहाँ भी विस्थापन होता। कहाँ विस्थापन होता? आयरन को भी विस्थापित करता। यदि आयरन से ऊपर की धातु होती तो आयरन को विस्थापित करती। इसलिए ये धातु कॉपर और आयरन के बीच की धातु होगी। ये हमारा मिल गया ये धातु। इसी तरह से सेम हम क्या करेंगे, बी धातु को भी पता लगाएंगे कि बी धातु हमारी कौन सी है। तो बी धातु क्या कर, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट को यहाँ विस्थापित कर रहा। आयरन सल्फेट के ऊपर, लोहे के ऊपर जमा हो जा रही है, लोहे के ऊपर ये। तो ये क्या हो गया, इधर की धातु होगी। ये बी धातु कहाँ होगी? आयरन से ऊपर की होगी, क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु है। तो बी धातु हमारी यहाँ से यहाँ तक कोई भी हो सकता है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये बी धातु यहाँ से कोई भी इसके ऊपर हो सकता है। बाकी इधर की धातु नहीं होगी, क्योंकि यदि इधर की होती तो इसमें कोई विस्थापन दिखाता, यानी और कहीं अपक्रिया नहीं हो रही, यहाँ भी विस्थापन नहीं हो रहा, कहीं भी आगे है। सी धातु क्या है? सी धातु किसको विस्थापन कर रहा? सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट को, बिलियन को विस्थापित कर रहा। सिल्वर, सिल्वर लवण के बिलियन को विस्थापित कर रहा है। तो ये हमारी सी धातु क्या होगी? ये इसके ऊपर की धातु होगी। ये धातु क्या होगी? इसके ऊपर की धातु होगी, यानी इसके बीच में धातु होगी। किसके बीच की धातु होगी? ये इसके बीच की धातु होगी, ये सी धातु होगी। अब सी कौन सी हो सकती है? ये हमारा मरकरी पारा हो सकता है, कॉपर हो सकता है। ये हमारी ये तीन धातुएं सी हो सकती हैं। और चौथी धातु हमारा डी है, जो किसी से क्रिया नहीं करती है। तो ये चौथी धातु निश्चित हमारा क्या होगा? सोना होगा। यानी सबसे कम क्रियाशील धातु है, जो किसी में भी, किसी बिलियन में अपक्रिया नहीं कर रही है। तो चौथी धातु डी हमारा, ये स्पष्ट रूप से ये सोना हो सकता है, डी होगा, ये डी वाली धातु होगी। तो इस तरह से हमने धातुओं का अनुमान लगाया। अब हम इस क्वेश्चन के आधार पर इस क्वेश्चन के तीनों प्रश्न का जवाब हम दे सकते हैं। सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अपक्रियाशील धातु क्या, अधिक अपक्रियाशील धातु बी है। तो इसका उत्तर हो गया बी। सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु क्या होगी? बी होगा, इसका आंसर मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया, आंसर हो गया बी। ये हमारा बी आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, धातु बी कॉपर सल्फेट के बिलियन में डाला जाए तो क्या होगा? धातु बी कॉपर सल्फेट के बिलियन में डाला जाए तो क्या होगा? ये साड़ी के हिसाब से कह सकते हैं अपक्रिया, विस्थापन नहीं होगा। क्या होगा? विस्थापन नहीं होगा, लिखेंगे विस्थापन नहीं होगा। ये हमारा हो गया। अगला है, ए बी सी डी अपक्रियाशीलता का क्रम लिखिए। अब हम इसको क्रम लिखना है, तो क्रम हमको यहाँ मिल चुका है। क्रम हमारा बी है, ए है, सी है, डी है। तो अपक्रियाशीलता का क्रम हमारा क्या हो गया? बी ए सी डी। तो अपक्रियाशीलता का क्रम यहाँ लिख सकते हैं उत्तर में, क्या हो जाएगा? बी सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील है। कैसे क्रम में लिखना है? बी सबसे ज़्यादा, उसके बाद ए है, उसके बाद ए है,
उसके बाद कम क्रियाशील क्या है, सी है, और सबसे कम क्रियाशील धातु हमारी डी है, जो कि हम अनुमान लगा सकते हैं क्या है, यह हमारा सोना है। सबसे कम क्रियाशील धातु हमारी डी है और सबसे अधिक क्रियाशील धातु बी है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सरल है, देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन आपको इस अध्याय की पूरी समझ के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, अवक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं। अब हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और एक एक को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है अवक्रियाशील धातुओं को, तो अवक्रियाशील धातुओं को जानने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, सक्रियता श्रेणी। क्या लिखना पड़ेगा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी लिखना पड़ेगा, सक्रियता श्रेणी धातुओं की सक्रियता क्रम हमको लिखना पड़ेगा। ये क्रम क्या है आपको याद रखना है, इसमें इस तरह से याद रखेंगे, हाइड्रोजन क्या है बीच में है, हाइड्रोजन की सक्रियता श्रेणी यहाँ लिखी जाती है, हाइड्रोजन के बाद हमारा आता है कॉपर, क्या आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है Ag, और इसके बाद Ag मतलब ये पारा आता है, मरकरी आता है, उसके बाद आता है Hg, इसके बाद Ag, उसके बाद Au यानी सोना, इसके ऊपर जो हमारे धातुएं हैं ये हमारा है लेड Pb है, और उसके बाद ये है जिंक, ये हमारा जिंक है, और यहाँ हमारा सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्युमिनियम, उसके बाद आता है लोहा, आयरन। इस तरह से हमारा ये क्रम है, ये हमारा कुल 12 धातुओं का क्रम है, 11 धातुएं हैं और एक हाइड्रोजन है। तो 1, 2 ये 3, ये हमारा 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये हमारा 8, ये 9 और ये हमारा 10, ये 11 और ये 12, ये 8वां नंबर धातु नहीं है। तो कुल मिला के 11 धातु है, हाइड्रोजन अधातु है। तो इस तरह से ये हमारे 12 क्रम है। तो इस तरह से धातुओं की सक्रियता का ये क्रम है, सक्रियता का इस तरह क्रम है, सबसे ज़्यादा सक्रिय क्या है, ऊपर वाली अधिक सक्रिय धातु होती है, ये अधिक सक्रिय धातु होती है, जो कि आप पीछे जान चुके हैं, देख चुके हैं, और सबसे कम सक्रिय होती है, सबसे कम सक्रिय धातु ये होती है। इस तरह से ऊपर से नीचे पर सक्रियता का क्या होता, कम होता रहता है। तो इस हम साड़ी के माध्यम से, इस श्रेणी के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो क्या कह रहा है, अवक्रियाशील धातु यानी ऊपर की धातु क्या अधिक, ये क्या अवक्रियाशील है, इस अधिक अवक्रियाशील धातु क्या, ऊपर की धातु अधिक अवक्रियाशील है, नीचे की धातु कम अवक्रियाशील है। तो हाइड्रोजन से ऊपर की धातु अम्ल के यानी तनु अम्ल चाहे हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल हो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, तनु विलयन में से क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो इसमें कह रहा है अवक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। तो अवक्रियाशील धातु क्या है, इसमें से कोई भी धातु लिया जाता है, पोटेशियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, और या फिर ले सकते हैं जिंक ले सकते हैं, और लेड ले सकते हैं। कोई भी अवक्रियाशील धातु का मतलब है हाइड्रोजन से ऊपर की जो धातु है वो अवक्रियाशील धातु कहलाएगी, और तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा है तन सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के साथ कैसे अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसको हम क्या लेंगे, एक्स धातु लेंगे, और एक्स धातु में कोई भी धातु ये 7 हो सकती हैं।
एक्स धातु क्या करता है, HCl, HCl के साथ अभिक्रिया करता है। HCl कैसा, तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या अभिक्रिया करता है, ये बन जाता है, ये H को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। H को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन होता है, विस्थापन, H को विस्थापन कर देता है। ये केवल अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ होता है और सांद्र अम्ल के साथ ऐसा नहीं होता है। तो विस्थापित करके क्या बनाएगा, HCl, यानी HCl बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस तरह से X क्या है, कोई भी धातु इसमें हो सकता है, पोटेशियम से लेकर लेड तक कोई भी धातु हो सकता है। तो X इस तरह से हमारा ये समीकरण हो गया पहला। तो कौन सी गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी, उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस। आंसर हो गया हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। गैस का सिंबल ए होता है और ये जी से लिखा जाता है, गैस निकलेगी। आगे कह रहा है, आयरन के साथ H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो इसमें क्या है, आयरन, आयरन देखो पांचवें नंबर पर है, तो एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आयरन या फी लिख सकते हैं। आयरन के साथ अभिक्रिया लिखेंगे तो एक्स यहाँ बदल जाएगा, आयरन हो जाएगा या फी हो जाएगा, या फी हो जाएगा, और Cl3 ये हो जाएगा आयरन क्लोराइड, या फी Cl3। तो ये होगा तीन, इसको बैलेंस करने के लिए यदि यहाँ तीन लिखते हैं तो बैलेंस नहीं होगा, तो यहाँ पहले दो से गुणा कर दें तो हो जाएगा छः, तो यहाँ छः लिख लेंगे। तो ये दो यहाँ, यह हमारा क्या हो, दो हो गया फी, तो दो यहाँ या फी लिखना पड़ेगा, या फी, और यहाँ हाइड्रोजन छः हो गया, यहाँ दो है तो तीन से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करना, आयरन के साथ H2SO4 तनु H2SO4 रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, H2O4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो उत्तर दूसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर का दूसरा आंसर हो गया, पहला आंसर ये फोर का और दूसरा आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। लेकिन ये पूरा अभी थोड़ा गलत हो गया, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल सारी, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ लेंगे तो थोड़ा सा समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, बदल जाएगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई है। तो यहाँ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाए, क्या लिया जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाएगा, H2SO4, तो ये बनेगा फेरिक आयरन सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस तरह से ये समीकरण बनेगा, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल लेना था, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी वैसे अभिक्रिया होगा और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी, कोई भी अम्ल हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सल्फ्यूरिक अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, एक ही तरह की अभिक्रिया होगी। तो इस तरह से हमारा समीकरण क्या है, ये बैलेंस है, सल्फेट भी यहाँ दो है, ये सब क्या है, बैलेंस है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उत्तर हमारा दूसरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव को करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, जिंक को आयरन टू के सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड को, ये हमारे व्हाइट बोर्ड को क्लीन करेंगे, इरेज करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है जिंक, एक क्या लेंगे, एक हम जिंक की, ये जिंक का क्या लेंगे, कीली लेंगे या नेल लेंगे, इस तरह से जिंक की एक हम तार ले सकते हैं। ये क्या है जिंक की, जड़ एन की क्या है, तार है या नेल है, इस तरह से हम लेंगे। उसके बाद क्या है, आयरन सल्फेट के विलयन में डालेंगे, एक बीकर लेंगे, एक बीकर लेंगे, एक क्या लेंगे, बीकर लेंगे, और इस बीकर में क्या है, आयरन सल्फेट है, इस बीकर में क्या है, Fe SO4, आयरन सल्फेट, ये हमारे विलयन है, आयरन सल्फेट का क्या है इस बीकर में, विलयन है। और इसमें क्या करेंगे, इसको हम जिंक की, जिंक के तार को या जिंक के नेल को या कील को, जिंक के कील, कील को क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, इसमें हम सारी थोड़ा छोटा चित्र बनाएंगे, इस तरह से विलयन में डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे 20-25 मिनट बाद, जिस तरह हमने पिछला क्रियाकलाप करके देखा है, इस तरह से इस कील को डालने के बाद 20 मिनट बाद देखेंगे, 20 मिनट बाद, लगभग 20 मिनट के बाद हम
चेक करेंगे तो क्या होता है। इसमें कह रहा जिंक को आयरन टू सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, क्या होता है इसको देखेंगे। अब क्या होता है, ये कैसे होगा, हम क्या करेंगे, धातु की सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। तो कौन सा धातु इसमें कौन सा है, ये हमारा जिंक है। जिंक कहाँ है, ये है जिंक है। ये जिंक किस नंबर पे, 6वें नंबर पे है। और क्या है दूसरा, सल्फेट, ये सॉरी फेरस, आयरन, यानी ये हमारा आयरन है। तो आयरन क्या है, ये 5वें नंबर पे है। तो ये जिंक क्या है, ये जिंक हमारा, ये क्या जिंक क्या है, 6वें नंबर पे है। तो अब क्या करेंगे, क्या जो है आयरन की कील, सॉरी ये जिंक की कील पर क्या होगा, हम देखेंगे कि जिंक के कील पर, जब हम जिंक की कील 20 मिनट बाद देखेंगे, तो जिंक के कील के ऊपर क्या होगा, आयरन जमा हो जाएगा। ये क्या होगा, आयरन की एक मोटी सी परत बन जाएगी। किसकी परत बन जाएगी, एफ ई की परत बन जाए, जिंक के कील के ऊपर किसकी परत बनेगी, एफ ई की परत बन जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आयरन क्या होता है, ये आयरन, आयरन क्या होगा, ये आयरन जो आयरन अधिक क्रियाशील धातु, सॉरी आयरन क्या अधिक क्रियाशील धातु है, तो आयरन क्या करेगा, ये आयरन का सल्फेट का विलयन है, आयरन सल्फेट का विलयन है, तो आयरन क्या करेगा, ये जिंक के छड़ के ऊपर जमा हो जाएगा, जिंक के छड़ के ऊपर जमा हो जाएगा, और जिंक क्या होगा, और जिंक सल्फेट बन जाएगा, और जिंक सल्फेट का विलयन, यानी विलयन का रंग जो है बदल जाएगा, विलयन का रंग क्या होगा, बदल जाएगा। इस तरह से क्या होगा, डालने पर क्या होगा, विलयन का रंग बदल जाएगा और लोहा जिंक के कील के ऊपर जमा हो जाएगा। अब इसका समीकरण लिखना है, इसका समीकरण क्या है, इसमें हमारा जड़यन लेंगे, ये हमारा जड़यन है, और प्लस Fe SO4। इसके बाद ये समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, ये हमारा क्या होगा, जिंक, जिंक सल्फेट बन जाएगा, ये विलयन हमारा क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट का विलयन हो जाएगा, ZnSO4। और क्या होगा, ये हमारा लोहा आयरन क्या होगा, जिंक के तार के ऊपर, ये आयरन या फिर जिंक के तार के ऊपर जमा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, ये समीकरण ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यह फी अधिक क्रियाशील धातु है और जिंक कम क्रियाशील धातु है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के आधार पर अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है, यानी यहाँ से इसके इसके विस्थापित करके उसके ऊपर जमा हो जाती है। तो इस तरह से ये जिंक, ये हमारा आयरन जमा हो जाएगा इसके जिंक के कील के ऊपर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, ख़राब लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, अपने कमेंट को लिखिए ज़रूर।